हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बार ग्राफ बार प्लॉट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए तो अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले तो चीज़ें बार प्लॉट को समझना कैसे है वो आप देख लीजिए। देखिए अब हम क्या लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्स का, ठीक है, जो एक्स है या ये आपका वाई एक्सिस में, और इसमें आपका हुआ कितना, ये क्या हुआ आपके ईयर्स, ईयर बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए ये जो था, ये जो साल है 2000, 2017-18, मतलब 2018 साल तक इतनी कारें बिकी, ठीक है। कितनी मान लीजिए, कितनी बिकी, 1500 कार। ये मान लीजिए ये 1500 कार, ठीक है। फिर आपका 2018 से 2019 तक मान लीजिए आपकी कितनी कारें बिकी, 1700 कार, 1700 कार, ठीक है। फिर आपकी और कारें जो अगले साल बिकी वो और ज़्यादा बिकी, लेट्स से ये है 2019 से 20 तक, है ना, और मान लीजिए कितनी है, 2000 कारें हैं, ठीक है। और फिर मान लीजिए कारों की बिक्री में थोड़ी सी गिरावट आ गई, ये 2020 से 2021 तक के डेटा में आपकी लेट से 705 कारें ही बिकी, ठीक है। ये आप लिखते जाइएगा कहीं पे कॉपी में। फिर नेक्स्ट ईयर 2021 से 2022 तक, ठीक है, आपकी कितनी कारें बिकी, है ना। मान लीजिए हम फाइनेंशियल ईयर निकालते हैं तो मान लीजिए अप्रैल टू अप्रैल, मतलब अप्रैल 2017 से अप्रैल 2018, अप्रैल 2018 से अप्रैल 2019, ये उस तरह के का आप डेटा मान के चलिए, मार्च में से, है ना, मार्च तक हम पूरा ज़्यादा फाइनेंशियल क्लियरेंस कर लेते हैं हर चीज़ का, तो उस हिसाब से। तो ये मान लीजिए ये जो है 850 कार है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बार प्लॉट समझना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लगभग सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं यदि इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन नंबर वन मैं आपसे यदि एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन है कि 2020 में कार सेल्स इन 2020, ठीक है, मीन्स दिस ये साल में, मान लीजिए इसी को ही मान लीजिए आप, ये 2020-21 में इस ड्यूरेशन में ये कितने टाइम्स है, इतने का, कितने का, इतने का, ठीक है। मतलब 2020 से 2021 आपके ये मार्च टू मार्च यदि आप काउंट करें तो मार्च 2020 से मार्च 2021 में 705 कार बिकी, ये कितना टाइम्स है 2021 और 2022 में बिकी हुई कारों का। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कार, क्वेश्चन कैसा लिखा रहेगा, ऐसा, कार सेल्स इन 2020-21 इज हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ कार सेल्स इन 2021-22, ठीक है, इसको अपन को बताना है। तो
तो कैसे बताओगे? इसको आपको बताना है तो कैसे बताओगे? क्या ऐसे लिखोगे? इसका टाइम्स निकालना है, 2020-21 में कितनी थी? 705, फिर बटे 2021-22 में कितनी थी? 850। 5 से यदि भाग दोगे तो कितना जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 0। फिर शायद 3 से भी नहीं जाएगा। तो इतना लगभग आपका ये रेशियो है, ठीक है। अब ऐसे एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि 2019 2020 की अपेक्षा इस इतने ईयर में जो कारें बिकी वो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हैं 2021-22 की तुलना में? तो कैसे निकालोगे? वही चीज, 2000 बटे 850 सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 17 दूनी 2 और 34 6 बचा तो 2.3 के आसपास, 2.3 टाइम्स है, ठीक है, 2.3 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। चलिए, अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो अभी जैसे इसको हम और आगे बढ़े तो देखिए, इसको मुझे अब हमको जैसे अब एक क्वेश्चन में आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, हम फिर से चार्ट वो बना देते हैं। कैसा था हमारा चार्ट? यहाँ पे कितनी कारें थी? अब वो का चार्ट अपन देख लेंगे। वो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, वो शायद प्रीवियस आपका ये वाला होगा, है ना, ये वाला, ठीक है, ये चार्ट है। अब मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछूं कि परसेंटेज इंक्रीज इन कार सेल्स इन इन 2019-20 ओवर 2018-19, ठीक है। देखिए, कुछ भी कोई क्वेश्चन आप कैसा भी बना सकते हो इसमें, मतलब वो पूछ रहा है कि इस साल में 2019-20 में, 2019-20 में यदि 2000 कारें बिकी हैं तो ये 2017-18 में बिकी कारों से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? यहाँ पे 1500 बिकी थी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें 2000 बिकी इस साल में, तो ये कितना, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे? देखो, इसको निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन तो आपको समझाई दिया है। तो ये हो गया 2000 माइनस 1500, और किसके कंपैरिजन में निकालना है आपको, ठीक है, 1500 बटे 1500 है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली आपको बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 1/3 × 100, तो ये आ जाएगा 33.33%, ठीक है। मतलब ये जो कारें हैं, 2017-18 में 1500 कारें बिकी, 2019-20 में 2000 कारें बिकी, ये 33% ज्यादा की बिक्री हुई 2019-20 में कंपेयर टू 2017-18, ठीक है, ये चीज है। अब ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर आपसे मैं पूछूं कि अब आप देखिए, 2017-18 से 2018-19 में बढ़ोतरी हो गई, कारें ज्यादा बिकी,
फिर 2019-20 में भी कारें ज़्यादा बिकी 2018-19 की तुलना में, लेकिन 2020 और 21 की तुलना में कम बिकी, लेकिन 2021-22 में 2020 और 21 की तुलना में ज़्यादा बिकी। ठीक है, तो अपन मैं यदि आपसे पूछूं कि इनमें से किस ईयर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई कारों में, ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? तो वो कौन कौन से होंगे? एक तो ये वाला पेयर होगा 2017-18, 2018-19 का, 2018-19 का, 2019-20 का, इन दोनों का, इन दोनों का, और आपका 2020-21 से 2021-22 का। ठीक है, तो इसमें अपन को कैसे निकालोगे तीनों? देखो, सबसे ज़्यादा आप इंक्रीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले निकालेंगे तो हो जाएगा 1700 माइनस 1500 बटे 1500। ये मैंने किसके लिए निकाला, पहले मैं लिख लेता हूँ सभी का, तो आप फिर मैं इकट्ठा इसको 2000 माइनस 1700 सॉरी 1700 बटे 1700, और तीसरा सॉरी ये 1700 ही है, फिर है 850 माइनस 705 बटे 705। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज किसके लिए, कौन से ईयर के लिए होंगे? देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा मैंने, 1700 1500 1500, तो कौन सा हुआ, ये वाला रीजन हुआ 2018-19 में। हमको बेसिकली ये बताना है कि किस साल में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा कारें बिकी, सबसे ज़्यादा कारें बिकी, है ना? तो ये किसके लिए हो गया, 2018-19, है ना, 2018 और 19 के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए हो जाएगा, 2019 2020 के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, 2021 से 22 के लिए। ठीक है, मैच कर सकते हैं, 2019-20 के लिए आप यदि देखोगे तो कितना आएगा, देखो 2019-20 में 1700 माइनस 2000 है ना बटे 1700। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इन तीनों का उत्तर में यदि आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो ये आएगा कुछ आपका 2/15, तो लगभग ये आएगा 12%। ठीक है, ये कुछ आएगा 3/17, तो ये आएगा कुछ 17%। ये आएगा आपका 145/705, ठीक है 705, तो ये आपका कुछ 2% के आसपास कुछ आएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा, कुछ 22% मेरे ख्याल से जितना भी आए तो, लेकिन ये फिर मान लीजिए ये इसको यदि आप हिसाब भी लगाएंगे तो कितना आएगा, 145 705, 100 के लिए हो गया, तो ये हो गया आपका 7 × 7, हाँ ये कुछ आएगा इतना ही मान लीजिए, 22% ही लगभग, तो ये क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ये वैल्यू कितनी भी आए वो मैंने जस्ट अनुमान लगा दिया है, ये बदल भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए 22% ये सबसे ज़्यादा हुआ, तो हम बोलेंगे कि इस 2020-21 में जो 705 कारें बिकी और 2021-22 में जो 850 कारें बिकी वो ज़्यादा हैं अनुपातिक रूप से, इस साल हमने पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा कारें बेची। ठीक है, ये चीज़ होता है। चलिए अभी तो भी ये तीन क्वेश्चन हमने किए, तीनों ही लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, अब
मैं आपसे पूछूं कि पहले तो जो टोटल कारें हैं उनका आपको ओवरऑल एवरेज पूछ लिया जाए, ओवरऑल एवरेज निकालिए टोटल कारें बिकने का, तो क्या होगा? आपके पास डेटा ऑलरेडी है तो 1/5, 5 साल का डेटा है इसलिए 1/5, 1500 कितनी कारें बिकी थी, देखिए इसमें यहाँ पे आइए, 1500, 1700, 2000, 705 और 800, 850, ठीक है? तो सबको आपको ऐसे जोड़ देना है, 1500, 1700 और क्या था, 2000, 850 और 705, ठीक है? ये कुछ आएगा 1351, आप करके देख लीजिएगा, 1351 एवरेज निकलेगा, ठीक है? ये चीज़। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि अब ये एवरेज निकाल लिया आपने, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि 2021-22 में जो 850 कारें बेची हैं हमने, ठीक है, इन्होंने 850 कारें बेची, ये ओवरऑल एवरेज का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ओवरऑल कार बिक्री का कितना प्रतिशत है एवरेज का, ठीक है, ठीक है ना? ध्यान देना, ओवरऑल एवरेज का कितना प्रतिशत है, मैंने टोटल कार का नहीं पूछा, मैंने ओवरऑल एवरेज कार का कितना प्रतिशत है, ठीक है? तो इसका कैसे निकालोगे आंसर, उसमें 850 कारें बिकी थी, 1351 टोटल कारें हैं, गुणित 100, प्रतिशत पूछा है तो 100 का गुणा कर दिया, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 62.91, ठीक है, 62.91, मतलब ओवरऑल एवरेज यदि आप देख रहे हैं तो वो 62.91% है ये रेशियो, ठीक है, ये चीज। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए, रेशियो रेशियो बताइएगा, कितनी कारें एवरेज से ज़्यादा बिकी किस साल में, एवरेज से ज़्यादा कितने साल में बिकी, कितने साल, और एवरेज से कम कितने साल, ठीक है? सब सवाल समझ में आया? 1351 एवरेज है, ठीक है? आप देखिए मैं पूछ रहा हूँ 1351 से कितनी बार ज़्यादा कारें बिकी, तो 1 बार 1500, 1700, 2000, तो ये 3 बार सबसे उस एवरेज से ज़्यादा बिकी और 2 बार एवरेज से कम बिकी, 705 और 850 क्या है, 1351 से कम है दोनों, तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 3/2, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सवालों को हल करना रहता है, ठीक है? जब भी आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो अभी आप कोई सा भी एक ग्राफ, जस्ट एक एक्सरसाइज करिएगा और कोई भी एक ग्राफ एग्जांपल लेके इसको ट्राई करके देखिएगा, है ना? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मैं आने वाले वीडियो में और भी सारे बार ग्राफ, पाई चार्ट और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा। थैंक यू।